तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने भी इस मामले पर पोस्ट किया है। मुख्तार की मौत पर अपनी बात कही है तेजस्वी यादव ने। क्या कहा है हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए आप पूरा पोस्ट तेजस्वी यादव का। मुख्तार की मौत पर अपनी बात रखी है, कहा है मुख्तार ने जहर की शिकायत की थी। राजीव जी यहाँ है, आप सब लोग अपने अपने घर चले जाइएगा, जो भी बात होगी माननीय विधायक जी आप सबको बताएंगे, सामने खड़े हुए हैं। अब आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस स्थान को खाली कर दीजिएगा। आप बता दीजिए, मेरे सभी भाइयों से और बड़े जो हैं हमारे उन सबसे मेरी गुजारिश है, आप सब लोग अभी अभी अपने घर चले जाइए, सबको भी मिट्टी भी हम लोग खबर दे देंगे आगे का जो भी होगा। आप लोग परिवार हैं, किसी के बेटे हैं, किसी शांत होकर सुन लीजिए, आप समझ सकते हैं, आपके मोहब्बत को आप हम समझ सकते हैं। मुख्तार के भतीजे मनु अंसारी ने लोगों से अपील की गाजीपुर में घर के बाहर जो इकट्ठे हो गए थे कि आप घर जाइए, उनकी मिट्टी की खबर यानी सुपुर्दे खाक किए जाने की खबर हम आपको दे देंगे, आप सभी परिवार के लोग हैं, और इस तरीके से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहां पर गाजीपुर में घर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे थे, पुलिस वहां पर मौजूद है, और वो सारी तस्वीरें अभी आपने देखी, वो सारी बात हमने आपको दिखाई। तो कुल मिलाकर स्थिति संवेदनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिषेक, ये बड़ी चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के लिए आज की रात और आने वाला कुछ वक्त। बिल्कुल, ये बिल्कुल बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि मामला बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। देखिए, इस बात को समझना होगा कि ये जो मुख्तार अंसारी की मौत हुई है और उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी चल रही, जिस तरह के सेंटीमेंट्स हावी हैं, वो सेंटीमेंट्स अपने आप में ये बताते हैं कि मामला किस तरह से बेहद ज़्यादा संवेदनशील है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, एक बैकग्राउंड है, जो अभी हम लगातार बात कर रहे थे कि एक कोयलांचल की लड़ाई, कोयला को लेकर के लड़ाई, रेलवे टेंडर, तमाम सारे टेंडर, जमीन के मामले, कई सारे खुरंजी जिसे कहते हैं गैंगवार, ये सब हो चुके हैं, और जब ये आरोप ब्रजेश सिंह पे लगाया जा रहा है तो इसलिए मामला और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है।